भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, जी हाँ, इनके दुश्मनों की कमी नहीं है, दोस्त से ज्यादा इन्होंने दुश्मन पाल रखे हैं। अब हाल ही में इनकी तारीफों की पुल बांधा है। भोजपुरी के उभरते हुए सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू ने, जी हाँ, हाल ही में एक चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रदीप पांडे चिंटू ने जमकर लताड़ा खेसारी लाल यादव को। जी हाँ, खेसारी लाल यादव पर उन्होंने जमकर हमला बोला और प्रदीप पांडे चिंटू ने यहाँ तक कह दिया कि जनता के प्यार ने किसी को सुपरस्टार क्या बना दिया, अब वो अपने आगे किसी को नहीं देखते। आपको बता दें कि प्रदीप पांडे चिंटू और खेसारी लाल यादव की दुश्मनी जग जाहिर है। जी हां, पवन सिंह के बाद अगर खेसारी लाल यादव की हिटलिस्ट में, यानी कि दुश्मनों की हिटलिस्ट में कोई नाम आता है तो वो कोई और नहीं प्रदीप पांडे चिंटू का है। जी हां, प्रदीप पांडे चिंटू का जब गाना आया था पांडे जी का बेटा हूं, तब इस पर प्रदीप पांडे चिंटू का कहना है कि ये खेसारी लाल यादव के गानों से वल्गर गाना नहीं था, लेकिन उसे एक जातिवाद का रूप देकर लोगों को भड़काया गया और इस पे कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। जबकि आज यूपी बिहार में जब भी कोई शादी होती है सबसे ज्यादा इस वक्त बजने वाला गाना यही है। आपको बता दें, प्रदीप पांडे चिंटू यही नहीं रुके, उन्होंने अलग अलग तरह की तोहमतें खेसारी लाल यादव पर लगाई। वैसे ये पहली मर्तबा नहीं है जब खेसारी लाल यादव का नाम लिए बगैर प्रदीप पांडे चिंटू या फिर कोई और खेसारी लाल यादव पे तोहमतें लगाता रहा हो। आपको बता दें कि इससे पहले कई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, यहाँ तक कि कई उभरते हुए गायक और कई एस्टेब्लिश्ड नायक भी इन पर उंगलियां, तोहमतें उठा चुके हैं। आपको बता दें कि खेसारी ने हर बार इन सब विवादों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि खेसारी लाल यादव ने अगर ये इंटरव्यू देखा होगा तो ठीक, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस तरह की बातों का खेसारी लाल यादव किस तरह से जवाब देते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।